नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, अगर आप साउथ फिल्मों को देखने का शौक़ रखते हैं तो डेफिनेटली आपने नोटिस किया होगा कि इन दिनों तेलुगु इंडस्ट्री का एक एक्टर धीरे धीरे सुर्खियों में आना शुरू हो चुका है, जिसने अपने लुक, एक्टिंग स्किल और खासकर अपनी आवाज़ के दम पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट किया है। ये एक्टर है सत्यदेव कंचाराना। दोस्तों, सत्यदेव कंचाराना बेसिकली तेलुगु इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तेलुगु इंडस्ट्री के कुछ गिने चुने आउटसाइडर में से एक। इन्होंने बिना किसी गॉडफादर के धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर एक साइड एक्टर से लीडिंग हीरो बनने तक का सफर तय किया है। सत्यदेव कंचाराना वो एक्टर हैं जिन्होंने एक एक्टर के तौर पर जगह बनाने के लिए दशकों का स्ट्रगल किया है। ये पहली बार साल 2011 में डार्लिंग स्टार प्रभास की फिल्म मिस्टर परफेक्ट में उन्हीं के दोस्त के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद इन्होंने छोटे बड़े रोल्स की एक लंबी जर्नी तय करी है। दोस्तों, सत्यदेव कंचाराना को खुद को हर स्टेज पर प्रूव करना पड़ा है। मिस्टर परफेक्ट के बाद ये हमसे बढ़कर कौन फिल्म में महेश बाबू के दोस्त के रोल में, पवन कल्याण की फिल्म अतरंग की दरेती में किडनैपर के रोल में और वरुण तेज की फिल्म मुकुंडा में ये निगेटिव रोल में नजर आए थे। शुरुआत इनकी बहुत ही छोटे छोटे रोल से हुई। पहला बड़ा रोल पाने के लिए इनको 500 लोगों से कम्पीट करना पड़ा। दोस्तों, सत्यदेव कंचाराना को पूरी जगन्नाथ की फिल्म ज्योति लक्ष्मी में 7 दिनों का ट्रायल पास करना पड़ा। 500 लोगों के ऑडिशन को बीट करने के बाद सत्यदेव को पहली बार ज्योति लक्ष्मी फिल्म में लीड रोल मिला। हालांकि ये एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, फिर भी हर लिहाज से ये सत्यदेव के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था। फिल्म की मॉडरेट सफलता ने सत्यदेव कंचाराना की पब्लिक में रिकॉग्निशन को बढ़ा दिया। रिलीज के साथ फिल्म के जनरली निगेटिव रिव्यू के बीच एक सत्यदेव ही थे जिनके काम को लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिसिएट किया। यहाँ से सत्यदेव की किस्मत सही ट्रैक पर आना शुरू हो गई। अब तक फिल्मों के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोल सत्यदेव को मिलना शुरू हो चुके थे। आगे चलकर इनको कुछ फिल्मों में लीड रोल भी मिले, जिसमें ब्लफ मास्टर, ब्रूचे वारुवारा और कस्टम जैसी फिल्मों में इनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनफैक्ट इनकी फिल्म ब्लफ मास्टर ने एक लिमिटेड रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ की कमाई करी। सत्यदेव ने अपने दम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और यहीं से एज अ लीड हीरो इनकी किस्मत भी चमक गई। इवन फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया और शायद ये वही फिल्म है जिसको देखकर आप सत्यदेव के फैन बने और इस बायोग्राफिकल वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सत्यदेव कंचाराना की शुरुआती जिंदगी से लेकर अब तक के सफर पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सत्यदेव का पूरा नाम है कंचाराना वाणी वेंकटा सत्यदेव। इनका जन्म 4 जुलाई साल 1989 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक टिपिकल हिंदू धार्मिक परिवार में हुआ। इनके पिता का अच्छा खासा बिजनेस रहा, वहीं इनकी माता श्री एक गृहिणी थी। हालांकि माता पिता के नाम की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। बहरहाल इनकी शुरुआती पढ़ाई SPS स्कूल और नालंदा टैलेंट स्कूल विशाखापट्टनम से पूरी हुई। स्कूल के दिनों से ही सत्यदेव एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे और हर करिकुलम एक्टिविटीज में आगे रहा करते थे। दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद सत्यदेव कंचाराना ने महाराज विजयराज गजपत राज कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस लेकर अपना बीटेक कंप्लीट किया। ये पढ़ाई में तो अच्छे थे, इसलिए इनका आसानी से प्लेसमेंट भी हो गया। आगे चलकर सत्यदेव कंचाराना IBM और KVM वेब जैसी कंपनियों में विजुअल डिजाइन आर्किटेक्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही सत्यदेव समझ चुके थे कि वे 10 to 6 की जॉब के लिए नहीं बने, उन्हें अपना पैशन फॉलो करना था जो कि थी एक्टिंग। इन्होंने अच्छा ये किया कि इन्होंने पहले जॉब नहीं छोड़ी। सत्यदेव सबसे पहले तो अपनी जॉब के साथ साथ फिल्मों में ट्राई करने लगे। 2011 में इन्हें पहली बार मिस्टर परफेक्ट फिल्म में चांस मिला। देन 2012 में ये पूरा साल फिल्मों में काम ढूंढते रहे। आगे चलकर 2013 में इनको हमसे बढ़कर कौन, अतरंत की दरेती, 2014 में मैंने प्यार किया, 2014 में मुकुंडा और 2015 में असुरा जैसी फिल्मों में छोटे बड़े रोल निभाने का मौका मिला। हालांकि अभी भी ये साइड बाय साइड जॉब ही कर रहे थे। फाइनली जब इनकी मूवी ज्योति लक्ष्मी रिलीज हुई, तब सत्यदेव श्योर हुए कि वे अब अपनी जॉब को आसानी से क्विट करके फिल्म लाइन में जा सकते हैं। ज्योति लक्ष्मी के बाद सत्यदेव को फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। वैसे आपको ये भी बता दूं कि फिल्मों में आने से पहले सत्यदेव ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उसमें काम भी किया था। बहरहाल 2016 में इन्हें अद्वित सेस की फिल्म कसनम में काम करने का मौका मिला। फिल्म में सत्यदेव अद्वित सेस के लव इंटरेस्ट के हस्बैंड के रोल में नजर आए थे। फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस आज भी सत्यदेव की बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर गिनी जाती है। 2017 में इन्हें द गाजी अटैक फिल्म में काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने ज्योति लक्ष्मी के बाद इन्हें रोक फिल्म में दोबारा से काम दिया। सत्यदेव इसके बाद गोपीचंद की मूवी ऑक्सीजन और वरुण तेज की मूवी अंतरिक्षम 9000 किलोमीटर पर आवर में डबल रोल में नजर आए। अब तक सत्यदेव एक साइड एक्टर के तौर पर अच्छी पहचान बना चुके थे, मगर कोई भी उन्हें लीड रोल में कास्ट नहीं कर रहा था। देन फाइनली 8 सालों के बाद सत्यदेव को फिल्म मिली जिसमें ये फुल फ्लेज्ड हीरो के रोल में नजर आए। ये फिल्म थी ब्लफ मास्टर।
बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पॉजिटिव रिव्यू और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बलबूते बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही। सत्यदेव पर खेला गया दाव मेकर्स को मालामाल कर गया और यहीं से सत्यदेव की जर्नी एज अ लीड हीरो स्टार्ट हुई। इसके बाद इनकी मूवी ब्रूचे वारुवारा रिलीज हुई। जी हाँ, वही फिल्म जिसको हिंदी बेल्ट में वैले के नाम से रीमेक किया गया है। फिल्म के हिंदी वर्जन में अभय देओल ने इन्हीं के रोल को प्ले किया है। बहरहाल 4 से 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ प्लस की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग अपने नाम किया। इसके बाद अगेन डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इन्हें तीसरी बार आई स्मार्ट शंकर में एक इम्पॉर्टेंट रोल में कास्ट किया। स्मार्ट शंकर में सत्यदेव की मेमोरी ही राम पोथी नैनी के माइंड में थी। फिल्म में सत्यदेव भी इम्पॉर्टेंट रोल में थे और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद इन्होंने रंगाला 24, जॉर्ज रेड्डी 42 डेज और महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू नेके वारु में काम किया। इस बीच इनकी कुछ फिल्में नहीं चली। सत्यदेव एक पॉपुलर साइड एक्टर और कुछ फिल्मों में लीड हीरो के तौर पर काम करते रहे। 2020 में इनकी मूवी उमा महेश्वरा उग्रा रूपस्या नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसमें सत्यदेव एज अ लीड हीरो नजर आए। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिले। इसके बाद ये पित्ता कथाला, साइलैब और आचार्य जैसी फिल्मों में भी नजर आए। इनकी लास्ट रिलीज फिल्म थी गॉडसे, जिसे 17 जून 2022 को रिलीज किया गया। पहले तो फिल्म के टाइटल के चलते काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तब बाद में सत्यदेव को खुद ही ये क्लियर करना पड़ा कि उनकी फिल्म के टाइटल का नाथूराम गॉडसे से कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल आने वाले समय में ये कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इनकी अगली फिल्म होगी गुरथुंडा सीथा कलम, जिसको इसी 23 सितंबर को रिलीज किया जाना है। नडा इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म लव मॉकटेल का रीमेक होने वाली है। आपको बता दूं, इस फिल्म में सत्यदेव के अपोजिट तमन्ना भाटिया जैसी बड़ी एक्ट्रेस नजर आने वाली है। हिंदी फिल्म राम सेतु में ये अक्षय कुमार के साथ भी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इवन ये मेगा स्टार चिरंजीवी की बिग बजट फिल्म गॉडफादर में भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, बेसिकली गॉडफादर मलयालम की फिल्म लूसिफर की रीमेक होगी, जहां सत्यदेव कंचा राणा तोवनो थॉमस का रोल निभाएंगे। इसके अलावा ये कृष्णा अम्मा और फुल बेल बॉटम जैसी फिल्मों का भी हिस्सा होंगे। आपको बता दूं, इन्होंने गॉड्स ऑफ धर्मापुरी और लॉक जैसी वेब सीरीज में भी काम किया, जिसमें इनके काम को वाकई काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनकी आवाज भी काफी अच्छी है, इसी के चलते इन्होंने कई पॉपुलर फिल्मों में अपनी आवाज भी दी है। दोस्तों, सूर्या की फिल्म सुराराय पोट्रू के तेलुगु वर्जन में सूर्या को सत्यदेव ने ही आवाज दी थी। इसके अलावा साहो फिल्म के मेन विलन की आवाज भी सत्यदेव ने ही दी थी। डेफिनेटली सत्यदेव इस समय अपने कैरियर के बेस्ट फेस में हैं और इनके पास किसी भी तरह के काम की कमी नहीं है। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की, तो इनकी शादी 2020 में दीपिका जी से हुई, जिनसे इनको एक लड़का है। तो दोस्तों, ये रहा सत्यदेव कंचा राणा पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर की बायोग्राफी पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।